हेलो, गुड मॉर्निंग। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं ब्लॉग पे आ रहा हूँ। तो नहीं, आज से मैं डेली दिखूंगा क्योंकि अभी मैं डेली ब्लॉग बनाने वाला हूँ। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी हम निकलने वाले हैं, मैं और दीदी। बहुत टाइम के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ दीदी को लेके। वैसे तो काम पे जा रहा हूँ लेकिन हो जाएगा लॉन्ग ड्राइव जैसा ही, तो इसीलिए अभी हम दोनों निकलने वाले हैं। अभी जल्दी से गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि सभी लड़कों के लिए उसकी गाड़ी पहला लव होती है। मेरे लिए है तो उसको साफ़ तो करना पड़ेगा, लेके जाना है। तो चलो गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी चश्मा वश्मा लगा के हम लोग निकल चुके हैं। ये है मेरी सिस्टर जी। तो हम दोनों यहाँ से बड़ोड़ा से निकल चुके हैं अभी, तो मिलते हैं आगे रास्ते में, आपको दिखाते हैं रास्ते का नज़ारा बाद में। तो यहाँ पे हम आ चुके हाईवे पे और ये हमारे बड़ोड़ा का हाईवे का अच्छा सा नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे पे से आने वाली गाड़ी आती है और ये रेगुलर हाईवे। तो यहाँ से अभी L&T की मेन कंपनी आ चुकी है, तो यहाँ से हमको दिख गया तिरंगा। सुबह सुबह तिरंगे के दर्शन हो गए L&T के सबसे बड़े तिरंगा वैसे तो, और सबसे ऊंचा ये L&T का बोर्ड है यहाँ पे पीछे, बढ़िया सा बड़ा। ये L&T की ऑफिस है बड़ी वाली, वो आप देख ही सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं इंटीरियल रोड पे अंदर की साइड। तो आप देख सकते हो घने बादल छाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो चुका है यहाँ पे और रोड भी बहुत ही अच्छा है। तो सफर में बहुत ही मजा आने वाला है, आप देख सकते हो। अभी बारिश हो जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाए, अच्छे से सॉन्ग लगाए गए और बारिश का मज़ा ले गए। गरबा नहीं बोल से, गरबा नहीं बोल। गरबा की मजा है यहाँ पे तो, और मौसम का नजारा। तो मैं और दीदी स्टैंड अप कॉमेडी सुनते सुनते जंगल में आ चुके हैं। तो अभी स्टार्ट हो गया है हमारा जंगल का सफर, आगे दिखाऊंगा घना जंगल आपको। आप देख लीजिए कितना खतरनाक टर्निंग है। अब यहाँ से हम टर्न लेने वाले हैं बढ़िया सा अच्छा वाला। यहाँ खड़े रह के आपको मैं नजारा दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो बढ़िया सा नजारा यहाँ से। ये हमारी गाड़ी है, ये दीदी जी है जो पूरे पूरी थक गई है। ये बावा हिंदी चल रही है हमारी यहाँ पे। तो बढ़िया सा शांत वाला एटमॉस्फेयर है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नजारा, जंगल ही जंगल।
आपको लगता होगा कि मैंने पूरा का पूरा गाड़ी में ही आपको जंगल दिखा, लेकिन रास्ता ही ऐसा है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मजा ही कुछ अलग है। इस रास्ते पे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अच्छा सा लव म्यूजिक चलता हो तो बढ़िया सा मजा आ जाए, ऐसा रास्ता है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कभी कभी आप भी आके यहाँ घूम लेना, यहाँ पे आपको कड़क नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। मजा ही मजा है जंगल में, मजा ही मजा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे। आप लोग भी आ सकते हो कभी कभी घूमने, ऐसा नहीं है अपनी गाड़ी है अपना पैसा है, उड़ाओ खर्च करो जलसा करो। वो किसी ने खूबसूरत कहा है ना कि मजा मंजिल का नहीं है रास्तों का है, तो ये रास्ते की मजा अलग है, ये आप देख सकते हो। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यही एक पोर्शन है जो सबसे बेस्ट लगता है, सारे 40 किलोमीटर में सबसे बेस्ट पोर्शन यही है, मुझे यही पसंद है सबसे बेस्ट पोर्शन। और यहाँ से अंदर विसल खाड़ी जा सकते हैं आप लोग, यहाँ से अंदर जो करजन डैम का पानी आता है वो यहाँ पे अंदर मिल जाएगा आपको। दीदी जी नेचर का नज़ारा देखते हुए कैसा लग रहा है आपको, ये बेंगलोर से अच्छा है कि नहीं अच्छा है आप जरा हमको बताइए। बेंगलोर भी नहीं अच्छा है, देखिए क्योंकि दीदी जी बेंगलोर में रहती है, साउथ में रहती है, तो उनको कैसा लगता है वो पूछना पड़ता है हमको, क्योंकि हमारी मेहमान है, सासरी से आई है अभी अभी रक्षाबंधन करने के लिए, बादल ऊपर छाए हुए हैं बढ़िया सा, ये इधर घर देख लीजिए आप, कई कई छोटे छोटे घर, ये देखिए छोटा सा घर, ये कोई गांव आया है कुटाम्बा। दादाजी बेल लेके जा रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया सा बढ़िया सा। यहाँ पे बहुत सारे गन्ने के खेत हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे गन्ने की खेती होती है, ऐसा लग रहा है मेरे को और कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ गन्ना ही गन्ना है, ये भी गन्ना है, ये बड़ा सा ट्रैक्टर इधर से गुजर रहा है, हमारे बाजू में से निकल गया, गाय चल रही है खाना खा रही है अपना, लंच हो रहा है गाय का, भाई लोग। लेकिन माहौल अच्छा है आप देख सकते हो, पूरा क्लियर एटमॉस्फियर, नो पॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके राजपीपला सिटी में और यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी का नहीं, हेलीकॉप्टर का अभी आने वाला है, हेलीकॉप्टर 2 मिनट में आ जाएगा, निकल चुका है, ये हेलीकॉप्टर आ चुका है हमारा, कितना बड़ा है, इसको किधर पार्किंग करेंगे हम लोग। हेलीकॉप्टर का ड्राइवर है, यहाँ पे भाभी और नणन की रक्षाबंधन हो रही है, हो गई क्योंकि भाई तो आया नहीं है तो इस तरह से हो गई। ये देखो अभी रॉकी मारेगा, अभी गाड़ी ऊंची करेगा इसकी, ये तो हम पहुंच गए वापस से बड़ौड़ा, बैक टू बड़ौड़ा। तो अभी 12 बज गए और हम आ चुके मस्काबन खाने ओपी रोड पे।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।